मैंने भाई को 1000 रुपया दिया, मैंने कहा जाके जाओ ट्यूब लेके आओ। तो भाईजान ट्यूब लेने के आया है जब वो, तो वो कह मुझे आके कहता है कि भाईजान जो आपने नोट दिया ना मुझे वो है नकली। भाईजान क्या हाल चाल है, ठीक हो? सभी उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो भाईजान एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता नहीं कीड़ा है जो भी है, लेकिन आप लोग चैनल सब्सक्राइब कोई नहीं करते, बिना चैनल सब्सक्राइब किए निकल जाते हैं, वीडियो भी नहीं देखते। तो भाईजान आज वाली वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, उसकी मेन वजह ये है कि आपका भाई जा रहा है जी गोलगप्पे खाने। तो अगर आप लोगों ने साथ देखनी है सारी वीडियो, तो भाई सिर्फ थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, जल्दी हम गोलगप्पे खाएंगे, तो हमारे साथ ही रहना, निकलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। भाईजान आपका भाई घर से निकला, शेल डाली है, तो देखा तो बाइक पंचर हो गया था। अभी मैं दुकान पे आया हूँ, यहाँ पे पेंचर लगवा रहे हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। काम से भी लेट हो गया, बड़ा अफसोस हुआ यार, पैसे कट हो जाएंगे। चलो कोई चक्कर नहीं है, जल्दी इंशाल्लाह पेंचर लगेगा तो निकलते हैं। ये भाई जान पेंचर लगा रहे हैं, भाई देखें क्या सीन होता है आगे। तो काइंडली आपका भाई तो लेट हो चुका है, चलें कोई चक्कर नहीं है, जल्दी मिलते हैं आपको बाइक सेट करवा के। यान भाई ने टायर खोला है, तो पता लग गया कि भाई जान जो ट्यूब है वो ही ख़राब हो गई है। तो भाई जान वो अब ट्यूब लेने गया है, तो मैंने भाई को 1000 रुपया दिया, मैंने कहा जाके जाओ ट्यूब लेके आओ। तो भाईजान ट्यूब लेने के आया है जब वो, तो वो कह मुझे आके कहता है कि भाईजान जो आपने नोट दिया ना मुझे वो है नकली। तो मैंने कहा नकली नोट, वो भी 1000 रुपये का नकली नोट वाए कैसे? तो ये भाईजान वो 1000 रुपये का नोट है, तो आपका भाई जा रहा है लेके आता है, देखते हैं क्या सीन है। भाईजान वो नोट है जिसको मैंने दिया था कि जाओ लेके आओ ट्यूब, तो दुकान वाला ट्यूब लेने गया, तो उसने जिस दुकान से ट्यूब लिया, तो वो दुकान वाला कहता जी ये नकली नोट है, लो जी ये है जी नकली नोट। आंखें पता नहीं गांड में लेके ये काम करते हैं जी, नकली नोट बना दिया ऐसे, हालांकि ये असली नोट है। तो ये समझ नहीं आती यार लोगों की, ऐसी बातें कर देते हैं। 1000 रुपये की मेरी ठुकवा दी है, सुबह सुबह 450 की ट्यूब डल गई और 1000 रुपये की ये, और कह रहे हैं ये नकली नोट है। ये आपका घर पहुंचा तकरीबन, यहाँ से तकरीबन 4-5 बाजार छोड़ के ना बनती है दुकान, तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, पसीने से लत पत हो गए। ये वाला वो नोट है भाईजान जिसको उसने कहा कि ये नकली नोट है, तो ये मैंने 4-5 लोगों से उसने पूछा, जिस दुकान से उसने लिया ना वो दुकान वाला उसे कह रहा है कि भाईजान कि ये नकली नोट है, जहां से वो मेरे मोटरसाइकिल की ट्यूब लेकर आया, वो कह रहा है कि भाईजान उस दुकान वाले ने ये बात कही है कि ये वाला नोट नकली है, एक तरफ से मोटा है और एक तरफ से बारीक। कमाल कर दी है यार उस बंदे ने, मेरे 1000 रुपये की नोट की टकवा के रख दी है, 450 की ट्यूब आई है और 1000 रुपया ये है, कह रहा जी ये नकली नोट है। बड़ा ही अफसोस हुआ इस बात का। चले वो तो एक अलग बात है, नोट नकली है या नहीं है, जो मुझे चल के आना पड़ा उसका मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। बाकी अभी मैं दूसरा नोट पकड़ता हूँ, वो लेके जाता हूँ, देखता हूँ क्या कहता है भाई। ये वाला नोट अब लेके जा रहा है 1000 रुपये का, पहले वाला वो कह रहा है कि भैया नकली है, अब ये वाला लेके जाते हैं तो क्या कहता है देखते हैं भाईजान ये नकली है या नहीं है। लाला जी अभी मैं गया हूँ, तो मुंशी से मैंने वो किया है अपना ट्यूब डलवाई है बाइक की, तो भैया उससे मैंने दूसरा इस तरह का नोट दिया, वो जाके जिस जगह से उसने ट्यूब ली है ना वो उसे कहता है कि भैया ये वाली जो नोट की है ना शेप ये चेंज है, उसकी चेंज है, तो भैया ये वाला नोट जो है नकली है। कमाल कर दी है मेरी 1000 की सुबह सुबह ठकवा के रख दी है और 450 की ट्यूब। नोट भी कभी नकली होते हैं बता दे, और बोले तो सही। ओ भाईजान ये बंदा अभी सुबह सुबह उठा है, मतलब ये अभी नहीं बोल सकता, तो बंदा जब सुबह उठता है तो नहीं बोल पाता। तो भाई हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल भाईजान अभी आपका भाई ये वाला लोड लेके जा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। मेरे साथ तो सुबह सुबह ये वाला सीन हो गया, काम से भी लेट हो गया, वहाँ से भी ठुकेगी, इधर से भी ठुक गई है, हर जगह से ठुक गई है। A few moments later भाईजान आपका भाई लेट हो चुका है तकरीबन पूरा आधा घंटा से मुराद है कि आपके घंटे के पैसे कट जाएंगे, वो जितने भी बने वो कट ही जाएंगे। तो भाई तकरीबन आपका पहुंचा है यहाँ पे 30 मिनट के अंदर बाइक को बहुत भगाया लेकिन नहीं पहुंच पाया टाइम के ऊपर। सिर्फ ये मसला बन गया कि जो मेरे बाइक ख़राब हो गया, मतलब ट्यूब फट गई थी इस वजह से। तो बाकी अब टिफ़न और मैं अपने कपड़े चेंज करके जा रहा हूँ अपना काम पर, फिर मिलते हैं शाम को। भैया ना यहाँ पर मुझे ना भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि सुबह एक तो नाश्ता नहीं किया था, लेट हो गया था, तो ये एक मैंने मंगवाया, तो ये खाता हूँ। भूख ज़्यादा थी क्योंकि अंदर से मैं तो बिल करवा नहीं सकता, एक दोस्त आया था मैंने उसे पैसे दे दिए थे, मैंने कहा यार ये बिल करवा दो मुझे और मैंने नीचे बैठ के खा लूँगा, तो मैं यहाँ पे खाने लगा हूँ, फिर मिलते हैं बाद। ये भाईजान मंगवाया था आपके भाई ने, ओनली 100 का है, तो साज कैचअप भी है, तो खाता हूँ फिर। भूख लगी थी इस वजह से मैंने मंगवाया था, खाता हूँ फिर। कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगवाई यार, याद ही रहा कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेता तो अच्छा होता, चलो पानी पी के गुजारा करेंगे। ये मैं चीज़ें इस तरह इसलिए खाता हूँ क्योंकि मुझे ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो जारी बात है ज़िंदगी 4 दिन के एंजॉय शॉय करना चाहिए, बंदे को खाना चाहिए,
तो रात को गोलगप्पे भी खाने जाना है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो फाइनली भाई जान, आपके भाई का पेट्रोल खत्म हो गया, बाइक का तो आप पीछे चेक कर सकते हो, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो रात के तकरीबन कोई अपना 8:30 तो होने वाले हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं पेट्रोल पंप के पास ही हूँ। तो अभी पेट्रोल डलवाता हूँ, फिर निकलता हूँ घर को। यार घर वाले भी मेरा वेट कर रहे हैं कि आज इतना लेट हो गया, काले शाले आ रही, मैंने उठाई नहीं है, क्योंकि बाइक बताऊँ। ये भाई का पेट्रोल ख़त्म हो गया यार, एक तो इसने ना बहन चूत। ये भाई जान चेक कर सकते हो, आपके भाई के बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया, किधर गया, खुल जाए यार। अच्छा जी भाई जान, पेट्रोल डलवा लिया है, साथ ही पेट्रोल पंप था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं बच गया हूँ, मतलब कि इतना पीछे नहीं था। और ये भाई जान पीछे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, तो भाई जान आज तो मेरा साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन एवरीथिंग हैपेंड फॉर आवर ओन गुड, हर चीज़ हमारी बेहतरी के लिए होती है। सुबह मेरा टायर, मेरे बाइक का टायर फट गया, मतलब मेरे बाइक की टू फट गई, और उसके बाद भाई जान मेरा जो नोट था 1000 रुपये का वो भी नकली निकला, और जाते हुए मेरा पेट्रोल, आते हुए पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो भाई जान कोई इशू नहीं है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करनी चाहिए, जैसा भी है जिस हाल में भी रखे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और एवरीथिंग हैपन फॉर आवर ओन गुड, हर चीज़ हमारी बेहतरी के लिए होती है, इसमें कोई ना कोई मेरी बेहतरी थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।